तो भाई इस तरह का इंट्रो बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट में बोलोगे कि सही से बताया नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज़ आपको इंट्रो बनाने के लिए तो बेसिकली जो एप्लीकेशन चाहिए वो है पिक्सल लैब और अलाइट मोशन। तो गाइज़ आप अपना इंट्रो में जो भी लिखना चाहते हो तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब में उसका एक फॉन्ट तैयार करेंगे। तो चलिए पिक्सल लैब में चलते हैं और फिर उसका एक फॉन्ट तैयार करते हैं। तो गाइज पिक्सल लैब में आने के बाद आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है। फिर गाइज आप अपना यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, आप जो भी लिखना चाहते हैं। फिर टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसमें कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक डेज करके फॉन्ट है तो मैंने उसको यूज़ किया है। फिर आपको फॉन्ट यूज़ करने के बाद आपको एकदम इसको मिडिल में सेट कर देना है। फिर गाइज हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है, फिर सेव एज इमेज करना है, फिर इसकी जो क्वालिटी है डायमेंशन इसको अल्ट्रा पे करके सेव टू गैलरी कर देना है। तो फिर गाइज हमारे ये फॉन्ट गैलरी में सेव हो चुका है। और गाइज अगर आपके पास ब्लैंक PNG बैकग्राउंड है तो आप उसको लेकर उस टेक्स्ट को उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि गाइज जब हम ये साइनिंग टेक्स्ट बनाएंगे तो ये हमारा सिर्फ ब्लैंक PNG पे ही काम करेगा, तब भी वो साइन करेगा, ठीक है। और गाइज अगर आपके पास ब्लैंक PNG नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम एक ऐप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, जो गाइज 2 या 3 MB में आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज इस ऐप को ओपन करने के बाद आप लोड ए फोटो पर टैप करके अपना कोई जो भी फोटो ऐप उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर गाइज इसके ब्लैक बैकग्राउंड को डिस्प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर ऑटो के बटन को टैप करेंगे, फिर उसके बाद ही हमारा रेड कलर का एक जो भी है बटन आ जाएगा। फिर हम इसको ब्लैक कलर पर लाए अगर छोड़ देंगे तो पूरा ब्लैक कलर को डिस्प्लेस कर देगा। अगर आप इसको व्हाइट पर करेंगे तो ये व्हाइट कलर ही पूरा डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप जिस भी कलर को डिस्प्लेस करना चाहते हैं उस कलर पर ला के इसको छोड़ देंगे तो पूरा डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद अपना स्मूथनेस 1 सेट कर दीजिएगा, फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर गाइस हम आते हैं अपने अलाइट मोशन में। यहाँ पर आने के बाद हमें एक अपना बैकग्राउंड ब्लैक चूज़ कर लेना है, फिर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। फिर गाइज़ आपको अपना जो भी फ़ोटो आपने एक्सपोर्ट किया था उस इरेजर वाले ऐप से आपको एक इरेजर वाले फोल्डर में मिल जाएगा। तो आप उस फोल्डर से इस फोटो को अपना इंपोर्ट कर सकते हैं लाइट मोशन में। फिर इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। तो आप शेप में एक ये बार जो भी है रेक्टेंगुलर बार इसको चूज़ कर दीजिएगा। फिर इसको चूज़ करने के बाद आप ऐसा इसको मतलब इतना बड़ा लेंथ और वाइट इसकी सेट करिएगा कि ये एक लेटर को ढक सके। फिर गाइज आपको एक मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको उस पर टैप करना है। फिर गाइज जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर स्वाइप करके इसको जो टेक्स्ट है ये रेक्टेंगुलर शीट इसको आपको एकदम पूरा लेफ्ट में ले जाना है। लेफ्ट में ले जाने के बाद आपको इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है, फिर आपको एक लास्ट में की फ्रेम ऐड करना है। फिर लास्ट वाले की फ्रेम से ही आपको पूरा स्वाइप करके इस बार को पूरा एकदम राइट तक ले जाना है। फिर गाइज ऐसा करने के बाद आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। तो गाइज हम इस पर एक इफेक्ट ऐड करेंगे बॉक्स ब्लर करके। तो हम सर्च बार में सर्च करेंगे बॉक्स ब्लर तो हमें मिल जाएगा, तो हम सर्च कर लेते हैं। और गाइज आप इसकी स्ट्रेंथ अराउंड 230 या 250 रख सकते हैं, तो मैंने 230 यहाँ पे यूज़ किया है, आप 250 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गाइज आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। और फिर गाइज हम रेक्टेंगुलर जो बार है उस पर टाइप करेंगे, फिर आपको ब्लेंडिंग में जाके मास्क पर जाके फिर मास्क को यहाँ पर एक इसका ऑप्शन है उसको ऑन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर गाइज इन दोनों लेयर को हम टाइप करके एक ग्रुप बना देंगे। तो गाइज हमें अब इसमें साइनिंग इफेक्ट देना है, तो साइनिंग इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर टाइप करेंगे और फिर इसके इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद हम सर्च करेंगे रे, तो यहाँ पर हमें रे करके एक तो क्या बोलते हैं वो इफेक्ट मिल जाएगा, तो उस इफेक्ट को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो गाइज़ हमारा इसमें अभी ग्लो नहीं आया है, तो हमें ग्लो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसके एक स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर की फ्रेम को ऐड करने के बाद अराउंड इसका जो सेंटर है वो इसको हमको अराउंड -200 तक सेट कर देना है। और गाइज़ फिर इसके लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसके भी सेंटर को हम +200 के अराउंड सेट कर देंगे। और गाइस फिर इसके स्टार्टिंग में जहाँ हमने पहला की फ्रेम ऐड किया था उससे बस थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और उसका भी जो सेंटर है लगभग लगभग -199 सेट कर देंगे।
और गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ये सब ऐड होने के बाद अभी भी ग्लो नहीं आया है। तो गाइस टेंशन वाली बात नहीं है, ग्लो आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो इसकी इंटेंसिटी और लेंथ है ना, इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो आपको जितना अच्छा लगे आप उतना इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, फिर लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके सेट कर सकते हैं। तो मैं तो बताने के लिए आपको इतना दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। फिर सेट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइज ये सब सेटिंग करने के बाद हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अभी भी फास्ट है थोड़ा, मतलब 2 सेकंड का है तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसको स्पीड आप यहाँ से स्लो कर सकते हैं। फिर स्लो करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और गाइज ये वाला मैंने तो ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है, मतलब बन नहीं पाया मेरे से, क्योंकि गाइज मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल बनाने के लिए बता रहा था कि आप कैसे ग्लो ऐड कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप ग्लो ऐड करना सीख गए तो आप अपने से इससे ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और फिर गाइज इसको अपने वीडियो में यूज़ करने के लिए क्या करना है कि आप जिस भी वीडियो पे इसको लगाना चाहते हैं उस वीडियो के नीचे इसको एज अ लेयर ले लेना है काइन मास्टर में, और फिर इसकी ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देनी है। तो गाइज हमारा सिर्फ ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ना, सिर्फ ये ग्लोइंग टेक्स्ट ही दिखेगा, वो ब्लैक बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।